हेलो फ्रेंड्स, अमिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सेवगा का भरता, जिसको हम सहजन की फली भी बोलते हैं। इसका मैं भरता बनाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको बनाने के लिए हमने ये लिया है, सेवगा की फली ली हुई है, और इसका प्याज लिया है काट के, टमाटर, लाल मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, नमक, अमचूर पाउडर, राई, हरी धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और तेल। इसको बनाने के लिए हम फली को पहले इस तरह से छीलेंगे, ऊपर की लेयर निकाल देंगे, इसकी नसें निकाल देंगे, फिर उसको टुकड़े करेंगे। इस तरह से हमें इसकी नसें निकाल देनी है। फिर सब निकालने के बाद में इनको धो के हमें उबाल लेना है कुकर में। ये मैंने काटी हुई है, छील के रखी है। अब मैं इनको कुकर में उबलने के लिए रख दूंगी। ये कुकर में डाल देती हूँ और इसमें एक सीटी लगानी है मुझे। इसी में मैं पानी डाल देती हूँ एक गिलास, और इसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा डालना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के ये हमें उबलने रख देनी है। ये देखिए, मैंने अपनी ये फली उबाल ली है। ये देखो, इतनी इजली से खुल जाएंगी। अब इनका मुझे क्या करना है, ऐसे खोल के स्पून की मदद से हमें ऐसे इसका ये पल्प निकाल लेना है सारा। ये देखिए, पल्प निकल के आया है। स्पून की हेल्प से हमें निकाल लेंगे सारा, ये ऐसे करके। ये देखिए, छिलके हाथ में आ जाएंगे, पल्प यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम ये पल्प निकाल लेंगे। इसके बाद हम भरता बनाएंगे। इस तरह हम सारी फली का पल्प निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए, मैंने सारा पल्प निकाल लिया है ड्रम स्टिक से, और इसका मैं भरता बनाऊंगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें राई डालूंगी। सबसे पहले ये राई भून गई, इसी में कड़ी पत्ता, अभी मैं इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल के भून रही हूँ। इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी रहती है, ये सारे इंडिया में अवेलेबल रहता है। ये हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है। अब इसी में मैं प्याज डालूंगी, इसको भूनना। ये प्याज में गुलाबी होने तक भूनूंगी, हल्का सा पिंक कलर आएगा। उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। ये देखिए, अच्छे से भुन रहा है। ये हमारा प्याज लाल हो चुका है। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी। इसको मैं अच्छी तरह भून लूंगी। इसी में धनिया पाउडर, और अब इसी में मैं टमाटर डाल के भूनूंगी। ये देखिए, हमारे अच्छे से टमाटर और प्याज भून गए हैं। अब मैं इसमें ये पल्प भी निकाला था वो डाल देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। अरे, इसी में मैं अब लाल मिर्ची पाउडर, आप जैसा तीखा खाएं वैसा, गरम मसाला पाउडर और नमक डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसको आप पराठे से किसी साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे तो सहजन की फली सांभर में ज़्यादातर यूज की जाती है। अब इसमें मैं अमचूर पाउडर डाल के मिक्स करती हूँ।
इसकी जगह आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं या नींबू डाल दें। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा भरता रेडी हो गया है। ये अब मैं इसमें हरी धनिया डालती हूँ। ये देखिए मेरा ये सहजन की फली का भरता तैयार है। आप इसको बनाइए ज़रूर, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा है और ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है, हर एक के लिए बहुत हेल्दी है।